जेंटलमैन बॉयज एंड गर्ल्स, दिस इज शशांक एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है एसएम ब्लॉग्स। एंड टुडे इज संडे एंड डेट इज भाई साहब क्या है 28 अगस्त 2022। और हाँ, कल मैं आ गया था घर पे, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं घर पे आया हूँ यार 24-48 घंटे के लिए जो भी आया हूँ, तो क्यों ना आप लोगों को थोड़ा सा नज़ारा दिखाया जाए आसपास का। और अभी मैं आया हूँ अपने खेत पे, तो मैं सोचा खेत का थोड़ा सा नज़ारा दिखाया जाए आप लोगों को, क्योंकि खेत एक बहुत ही हरी भरी जगह होती है जहाँ पर वीडियो शूट करने में भी मज़ा आता है और उसमें आपको देखने में भी मज़ा आएगा क्योंकि हरी भरी जगह है ना, तो इसी वजह से। तो चलो अभी मैं एक्चुअली मेरे कई अलग अलग जगहों पर मेरे खेत हैं, तो अभी दूसरे वाले खेत पे आया हूँ, उसके बाद में किसी और खेत पे जाऊँगा, तो वो अलग अलग मैं आपको अच्छे से दिखाऊँगा, टेंशन ना लो। तो बेसिकली सीन ये है, ये वाला मेरा खेत है, ये एक्चुअली में यहाँ से स्टार्ट होता है और ये वहाँ तक जाता है, ये पूरा मेरा खेत है। इसमें अभी के लिए हुआ है ये जो क्या बोलते हैं चारा होता है ना, आई डोंट नो आप लोगों का क्या बोलते हैं, बेसिकली भैंसों का जो चारा होता है वो किया गया है। अब सोचो ये जो घास दिख रही है ना आपको, इतनी घनी घास है, इसके अंदर सांप भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, फिर भी यहाँ पर आकर के काटना मजबूरी होती है। और ये घास अगर नहीं काटी जाएगी ना, तो फिर जो भी पौधे हो रहे हैं वो भी नहीं उगेंगे, तो इसलिए ये घास काटना ज़रूरी है। मैंने सोचा क्यों ना यार घूमने के लिए आए हैं, तो आप लोगों को भी दिखाया जाए कि कैसा क्या रहता है यार अपने गाँव में, खेत में क्या क्या रहता है, एग्जैक्टली कैसे क्या सीन रहता है। ग्रीनरी देख रहे हो, मतलब मस्त एकदम। ये अपना इस तरीके का खेत दिख रहा है बढ़िया आराम से, यहाँ पे वही ये चारा ही है और ये सामने आपको गांव दिख रहा है, मस्त एकदम, बहुत ही बढ़िया। ये कौन है, चाचा है क्या? हाँ वही है, आओ जरा मिलवाते हैं। राम राम चा, कहाँ कर रहा है? चारों काटत है, काट लो। गांव की लाइफस्टाइल ही यही है कि लाइक सुबह उठो, भैंसों का सानी चारा, साफ़ सफाई करना, सारी चीज़ें करने के बाद में फिर आराम से, भैया देखो दराती उठाओ, साइकिल उठाओ या मोटरसाइकिल उठाओ, ट्रैक्टर उठाओ, जो भी है आपके पास में उठाओ और खेत में चलो चारा लेकर के आओ। और चारा नहीं लेकर लेने जाना तो खेत पे और भी बहुत सारे काम होते हैं, मतलब फसल टू फसल डिपेंड करता है कि किस मौसम में किस फसल पे हो आप, बहुत सारे काम होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि भैया सुबह सुबह हो गया कि रात के 3 बजे मुझे पानी लगाने जाना है खेत, तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं। और ग्रीनरी और मतलब एक होता है ऑर्गेनिक चीज़, वहाँ रहते हो आप, इसी वजह से गांव का इंसान कोई भी चीज़ सरवाइव कर सकता है, कोई भी कंडीशन सरवाइव कर सकता है। सिटी में हम क्या करते हैं भाई, सुबह उठे, सुबह 9:30 बजे उठे सो करके पहली चीज़, फिर उठे क्या किया भैया, फ़ोन दिखाओ, फ़ोन कहाँ है मेरा, ठीक है। यहाँ क्या है, सुबह उठे फ़ोन भाड़ में गया, चप्पल कहाँ है अपनी, चप्पल पहनो, काम करना कि अच्छा ये भैंसों का ये करना है, वो करना है, वो ख़त्म करो, तुम खेत पर पहुँचोगे, तो हाईली एक्टिव रहते हो फिजिकली आप। दूसरी चीज़ ये कि खाने को आपको ऑर्गेनिक मिलता है, अच्छा खाना मिलता है, ये फालतू का खाना नहीं होता है कि भैया चलो पिज़्ज़ा खा लिया बर्गर, ये पागल हो क्या, अच्छा खाना मिलता है। ये सारी चीज़ें जो है ना गाँव के लोगों के साथ में होती हैं और वो इतना हाईली एक्टिव होते हैं कि वो सर्वाइव, उनको पता है, मैं आपको लिटरली बता दूँ, अगर उनके पैर में अगर फावड़े से भी अगर उनके पैर में अगर चोट लग गई ना, उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता है, मतलब अगर वो पानी लगा रहे फावड़े से अगर उनके अगर चोट लग गई ना, वो उठा करके उसी में मिट्टी रगड़ेंगे और चलो भाई ठीक हो गया, ठीक है। और हमारा सिटी में क्या सीन रहता है कि भैया सुनो हल्का सा भी कट लग गया, हो बैंडेड लगाओ, डॉक्टर को दिखाओ, ये कराओ, वो कराओ, 50,000 चीज़ें। ये नुस्खा है, मुझे भी सिखाया गया है, ठीक है ना, दैट इज़ कि अगर आपके अगर कट जाता है, लेट सपोज कि यहाँ पे आपको जो है ना कट लग गया, ब्लड आ रहा है, ठीक है ना, और अगर आप चाहते हो कि आपके यहाँ पर कटे हुए पर आपको पानी में सर्वाइव करना है, आपको इन्फेक्शन ना हो, कुछ भी ना हो, विदाउट एनी मेडिसिन, सिंपली एक सिंपल नुस्खा उन्होंने बताया था, दैट इज़ कि सिंपली आप जिस टाइम पे कटा है आप जाओ और जहाँ पर भी कटा है उस पोर्शन पर, मतलब ये थोड़ा सा सुनने में अजीब लगेगा, हाँ आई नो होते, बट वहाँ पर जाकर के आप टॉयलेट कर लो, लेट्स सपोज यहाँ पे हुआ, तो आप जाओ और इस पॉइंट पर आप जो है टॉयलेट से भिगा लो, बात ख़त्म, सारा इन्फेक्शन गायब, इन्फेक्शन नहीं हो सकता, सारी चीज़ अपने आप सूख जाएगा, तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है कि भैया दवाई ले लो, ये ले लो, वो ले लो, कुछ बवाल करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हम शहर में क्या होता है कि चलो भैया डॉक्टर के पास हर 2 मिनट में, डॉक्टर के पास हर 2 मिनट में, ये हर 2 मिनट में वो। ये देखो ये वाला जो खेत है ना, इसमें देखो मक्का लगी हुई है पूरी, मक्का जो होती है ना आपकी वो लगी हुई है, जिसके आप पॉपकॉर्न खाते हो ना, यहाँ पे अभी मैं तोड़ूँ आराम से जा करके, भूनूँ जा करके, बढ़िया आराम से पॉपकॉर्न खाऊँ, क्या खाना है बताओ। और यही मक्का मिलने के लिए भाई साहब 20-20 रुपये की एक मक्का मिलती है, जो हाँ जो हमें मार्केट में जो मिलती है, और स्वीट पॉपकॉर्न के नाम पे तो भाई साहब पता नहीं, अलग ही बवाल चीज़ है यार सिटी में, और घर पे आ जाओ तो
सब फ्री में, जो खाना होगा वो मजे एकदार एकदम। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे केवल मेरे 3 खेत हैं, और वहाँ पे जहाँ पे दूसरी जगह है वहाँ पर हमारा मतलब पूरा एरिया ही वो हमारा है, तो वहाँ लेकर के चलते हैं आप लोगों को। बाइक से यहाँ पे खड़ी कर दी है, ये सामने हमारा है, सामने जो पेड़ लगा, अरे बाप रे मर गया, गिर गया होता। ये सामने जो पेड़ लगे हुए हैं और वो देखो वहाँ पर एक कोठरी सी बनी हुई है, वो हमारी समर है, वह उससे सारे खेतों में पानी जाता है। और हमने क्या किया, अंडरग्राउंड हमने पाइपिंग कर रखी है, तो हमें मतलब इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, तो मस्त आराम से एक बार में छोड़ दिया तो सीधा खेत में ही पाइप पानी रुकता जा करके। ये वाले धान हमारे हैं, वो रही हमारी समर। इसके अलावा खेत उधर भी है, एक वहाँ पे भी है खेत, बट वहाँ नहीं जा रहा मैं अभी। और धान के पीछे वो ये दिख रहे हैं ना, ये सारे सारे हमारे खेत हैं। मैं ना, मैं चप्पल पहन के आया हूँ, और खेत के लिए जो बेस्ट चीज़ होती है ना पैरों में पहनने के, दैट इज़ रबड़ के जूते। ये देखो मैं जो बता रहा था ना अंडरग्राउंड पाइपिंग, ये जो आया हुआ है ना, ये अंडरग्राउंड पाइपिंग से आया हुआ है। यहाँ से फिर मैं किसी भी खेत में लेके जा सकता हूँ, अपने खेत में कर लूँ, यहाँ से मैं पानी जो है किधर भी भेज सकता हूँ, इस वाले खेत में भी जा सकता है, इस वाले में भी जा सकता है, उधर वाले में भी जा सकता है, कहीं भी जा सकता है। बेसिकली यही सिस्टम है हमारा, इधर वाले में भी जा सकता है अंडरग्राउंड पाइपिंग का। एक जगह हम पहुँचा देते हैं, फिर उसके आगे अपना पानी इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, दिक्कत नहीं होती है। इसलिए पहले क्या होता, पहले प्लास्टिक का पाइप हम बिछाते थे, वहाँ से पूरा लेके जाते, तो उस समय भाई साहब अकेले इंसान की जान निकल जाती थी, इतनी ज़्यादा दिक्कत होती, इसलिए फिर हमने अंडरग्राउंड पाइपिंग करवाई है। और ये जो खाली वाला जो आप खेत देख रहे हो, ये भी हमारा ही खेत है, इसके अंदर हमने कुछ नहीं करवाया अभी तक। ये खेत कहाँ से स्टार्ट होता है, इस वाली मेड़ से स्टार्ट होता है, जहाँ तक पापा जा रहे हैं वहाँ तक है। ये वाला जो चक्का है, ये हमारा 4 बीघे का चक्का है, बहुत बड़ा है, यहाँ से पीछे तक जाते जाओ। आई डोंट नो आप लोगों को दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, यहाँ पे देखो मोर नाच रहा है। जो बोलते हैं ना जंगल में मोर नाच, किसने देखा, मैंने देखा, दिस इज़ द प्रूफ। तो ये वाली जो जगह है ना, ये हम लोगों का अड्डा है, ये हमारा मेन खेती यहाँ पर है, ठीक है ना। तो यहाँ पर समर भी है, अपनी सारी चीज़ें अपनी है। मन में आया तो शेयर कर दिया, मैंने सोचा कि सारी चीज़ें यहाँ शेयर करता हूँ, घर पर आया हूँ तो खेत पर थोड़ा अपना घर वाला भी माहौल थोड़ा सा शेयर किया जाए आप लोगों के साथ में, तो इसीलिए वाला ब्लॉग बन रहा है। आई नो मतलब थोड़ा, अगर थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है कि बोरिंग बना दिया होगा मैंने, बट स्टिल जो भी है यही है। तो मैं सोचा क्यों ना यार थोड़ी सी थोड़ी सी मेमोरीज कलेक्ट की जाए अपनी दी, और थोड़ा सा आप लोगों के साथ में शेयर किया जाए। क्या ही प्यारा लग रहा है, ये भी हमारा ही है, ये वाला भी हमारा ही है, दोनों ही हमारे हैं जो धान के खेत हैं। ये धान वाला वहाँ तक गया हुआ है, देखो ये गया वहाँ तक गया पूरे धान। ये वाला चलो छोटा है, यहाँ से वहाँ तक, वहाँ से वहाँ तक बस इधर से। चलो तो समर पे आ गए हम लोग, किस्मत भाई साहब जस्ट अभी आया, तुरंत ही देखो लाइट आ गई जैसे ही मैं पहुंचा यहाँ पे। ओए होए जब नहीं समझ रहे हैं। बेस्ट थिंग पता क्या है, घर से आ जाओ आराम से, आराम से कोठरी पे आकर के लेट जाओ। यहाँ पर हमने जो है ना चारपाई डाल रखी है, जो हमारी समर थी, समर के ऊपर जो हमने चारपाई डाल रखी है कोठरी पे। ओए होए भाई साहब, तो हवा चलती है अच्छी सी, और चारों तरफ हरियाली हरियाली, हवा ही हवा। यहाँ लेट जाओ, एसी वगैरह सब बेकार, बढ़िया आराम, ठंडी ठंडी हवा, गत्ता खाना ले आओ, प्योर हवा, खाना ले आओ, गत्ते आराम से खाना खाओ, अपा समर है, ये पानी पियो, कोई दिक्कत नहीं, परे रहो बढ़िया आराम से। हाँ जो आज चाहिए, मैं तब से यार मैं ऊपर लेटा हुआ था, और भाई साहब इतना ज्यादा अच्छा लग रहा था ना, बिल्कुल भी जाने का मन नहीं कर रहा, मन कर रहा था बस ऐसे ही लेटा रहूं।
बट क्या कर सकते हैं, वापस भी जाना है आज गुड़गांव, समझे ना, तो वापस हाँ चलना है। और 7:45 यहीं हो गए हैं, तो अभी जो है चलते हैं घर पे, और घर चल के फिर देखते हैं क्या सीन है, क्या करना है, क्योंकि निकलने की व्यवस्था देखनी है, और भी कुछ काम है जिस काम के लिए मैं यहाँ आया था घर पे, तो वो भी काम करना है। अच्छा ये जो है ना, कटने के बाद में इस तरीके के टूटे रहते हैं, गलती से भी अगर पैर लग गया ना, तुम्हारा पैर छिल जाएगा, तो ध्यान से देख के चलना होता है। और इसी चीज़ के लिए जो रबड़ वाले जो जूते होते हैं ना, वो बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, उनमें कुछ नहीं होता है। तो ये देखो कितने सारे टूटे पड़े, तो देख के चलना पड़ा। अभी रबड़ वाले अगर मैंने जूते पहना तो चलो आँख बंद करके, कोई दिक्कत नहीं है। ओहो देखो मैंने बोला था ना, वो जो पानी का जो रहता है, जो हमने अंडरग्राउंड हमने पाइपलाइन डाली हुई है, ये देखो दूसरे वाले ट्यूबवेल से आ रहा है। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, तो भैया हम पहुंच गए, देखो अलीगंज, जो टाइम हो गया है 2:40 हुए हैं। एक्चुअली मेरा निकलने का टाइम हो गया है। सो सीन वाज कि मैं आया अलीगंज, तो मैं ना मैं सो गया, मैं थोड़ा सोचा कि यार रेस्ट कर लूँ निकलने से पहले, हाँ तो मैं वापस निकल रहा हूँ। जैसा कि मैंने दिन में आपको ब्लॉग में बताया, तो ये वाला ब्लॉग जो है यहीं पर ख़त्म करते हैं। जो भी अपना मतलब घर का थोड़ा बहुत हल्का फुल्का छोटा मोटा जो सिस्टम था, वो मैंने आप लोगों को दिखाने की कोशिश की। आई होप आप लोगों को अगर पसंद आया हो तो लाइक कर देना, एक लाइक, एक कमेंट, एक शेयर, ठीक है ना। और अगर ना पसंद आया हो तो कमेंट करके आप मुझे अपना फीडबैक दे सकते हैं, और सजेस्ट कर सकते हैं कि मैं कैसे उस चीज़ को मैं बेटर कर सकूं, कैसे चीज़ों को मैं बेटर कर सकूं। चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना अपना ध्यान रखो, अपना अपना ख्याल रखो। बाय बाय, टेक केयर, सब बाय।